स्वागत है। गाजियाबाद से खबर है जहां पर बीजेपी विधायक के रिश्तेदार की हत्या कर दी गई है। मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स को बदमाशों ने गोली मारी है। स्कूटी सवार दो बदमाशों ने नरेश त्यागी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा थे नरेश त्यागी। मुरादनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी। बीजेपी विधायक के रिश्तेदार की हत्या से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है और वहीं वारदात की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस जांच में जुटी हुई है। सिहारी गेट थाना क्षेत्र के लोहिया नगर इलाके की ये पूरी वारदात है। हालांकि आपको बता दें कि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जब नरेश त्यागी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो उनके पीछे से दो स्कूटी सवार बदमाश आए और उन पर गोलियां दाग दी, जिस दौरान उनकी मौत हो गई। तो तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है, ये सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है पूरी वारदात। आगे निकले नरेश त्यागी, उनके पीछे से दो स्कूटी सवार बदमाश आए और गैप बिल्कुल भी नहीं था और तभी उस दौरान फायरिंग की गई, जिसमें मौत हो गई है नरेश त्यागी की। संवाददाता हमारे साथ शिवम जुड़े हुए हैं जानकारी के लिए। शिवम, इस वक्त क्या इंक्वायरी चल रही है, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस के, आपसे जानना चाहेंगे। सुबह 6 बजे घटना है, जब जो नरेश त्यागी थे वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। जब इस पार्क के पास पहुंचे थे तो यहाँ पे जो स्कूटी सवार दो बदमाश थे जो रेकी कर रहे थे, उन्होंने पहले 5 गोली मारी और उसके बाद आगे जाकर फिर वापस आए, फिर 2 गोली सिर में मारी गई। करीब 7 गोलियाँ उन्हें लगी। इसके बाद उन्हें आनंद फानंद में यशोदा हॉस्पिटल लेकर जाया गया और साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई, जहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। हालांकि अब SSP ने तमाम दावे जरूर करे हैं, 3 टीमों के गठन कर दिया है, साथ ही क्राइम ब्रांच को भी इस मामले में लगाया गया है। पास भी लगे CCTV कैमरे में भी ये कैद घटना कैद हुई है। हालांकि अभी पुलिस जो प्रथम दृष्टिया जांच है उसे रंजिशन मान रही है, साथ ही क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर भी थे, ऐसे में उस एंगल पे भी जांच की जा रही है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई रंजिश तो नहीं थी। हालांकि इनके जो भांजे हैं वो भी विधायक हैं और इनके जो सगे जीजाजी थे वो भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर के साथ साथ पुलिस पर अब दबाव भी है कि आखिर VIP पर दिन दहाड़े हत्या हो जाती है तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा होता है। VIP के ऊपर त्यागी परिवार जिसका रसूख है, पहले आप अपनी बात कीजिए फिर मैं आता हूं आपके पास सवाल लेकर, अपनी बात पूरी कीजिए जी। देखिए, गाजियाबाद का बेहद ही पॉश इलाका माना जाता है लोहिया नगर। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ। सामने ही पूर्व सांसद KC त्यागी का घर है और उसके बगल में एक्स विधायक KK शर्मा का, साथ ही यहाँ पर जहाँ घटना हुई है, जहाँ पर हत्या हुई है, उसके ठीक सामने जज का घर है। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल इसलिए खड़ा होता है कि आखिर इतने VIP इलाके में इस तरीके की हत्यारे आराम से आकर हत्या की वारदात को अंजाम दे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस उस समय कहाँ थी। तमाम दावे जरूर करती हैं कि दिन रात चेकिंग के अभियान चलाए जाते हैं, पर कहीं ना कहीं इसलिए सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस VIP इलाके में अगर इस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो गाजियाबाद में जो और इलाके हैं वो कितने सुरक्षित हैं, क्या आम आदमी गाजियाबाद में सुरक्षित है, तो बड़ा सवाल गाजियाबाद पुलिस पर। शिवम, ये जहां पर हत्या हुई है वो इनके घर से कितनी दूरी पर है? देखिए, घर से महज 200 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि वो घर से निकलकर जो पार्क है, मैं आपको पार्क दिखाना चाहूँ, ये वही पार्क है जहाँ पर वो मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह आया करते थे। बताया जा रहा है कि रेकी की गई क्योंकि घर से महज 200 मीटर की दूरी पर ये पार्क है और जैसे ही वो पार्क के गेट के पास पहुँचे तभी स्कूटी सवार बदमाशों ने उन्हें रोका और 5 गोलियाँ पहले मारी गईं और फिर थोड़ी देर बाद स्कूटी सवार बदमाश दोबारा आए और 2 गोली सिर में मारी गईं। हालांकि यह तमाम दावे जरूर किए जा रहे हैं, पुलिस की टीमों का गठन कर दिया है, पर बड़ा सवाल इसीलिए अभी भी खड़ा होता है कि आखिर इस तरीके से एक VIP को ही दिन दहाड़े अल सुबह मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ऐसे में आम आदमी का परिवार में किस तरीके से दशक से राजनीति में सक्रिय था। और अगर गाजियाबाद की राजनीति का जिक्र करें, गाजियाबाद में वैसे भी अपराध किस चरम पर रहा, दबंग और रसूखदारों के बीच में गैंग वॉर किस स्तर पर रही पहले के समय में, वो भी सभी ने देखा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात करें, इस परिवार की किसी से एक ऐसी दुश्मनी थी जो ऐसी घटना को अंजाम दे सकते थे, क्योंकि परिवार तो अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे करीबी वहां पर मौजूद होंगे जो इस बात की चर्चाएं हो सकता है कर रहे हो, तो ऐसी कुछ चर्चाएं सुनने में आई है क्या अभी? देखिए, न्यूज़ वन इंडिया की टीम लगातार परिवार से बात करने की कोशिश कर रही है, हालांकि अभी गम का माहौल है इसीलिए कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि जो अभी तक सूत्रों के मुताबिक बात चली है, कहीं ना कहीं गाँव की रंजिश करीब 2 दशक से चली आ रही थी, उसी कारण इनके परिवार में पहले भी हत्याएं हो चुकी हैं और आज भी जिस तरीके से भाजपा विधायक के मामा की सरेआम हत्या कर दी गई वो कहीं ना कहीं रंजिशन से जोड़कर देखा जा रहा है। पर कहीं ना कहीं क्योंकि वह एक कॉन्ट्रैक्टर भी थे, उस एंगल पर भी पुलिस जाँच कर रही है कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई रंजिश तो नहीं है। हालाँकि अब मौके पर SP City के साथ साथ कई पुलिस बल भी यहाँ मौजूद किया गया, क्योंकि एक VIP की हत्या हो जाना गाजियाबाद पुलिस पर सवाल निशान इसलिए खड़ा करता है
कि लगातार जिस तरीके से गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, दिन दहाड़े लूट डकैती जैसी वारदात को बदमाश आसानी से फरार हो जाते हैं। हालांकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसपी सिटी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या वारदात रही है। सर सर दिन दहाड़े एक आदमी का कत्ल हो जाता है, क्या कहना है सर? देखिए, यहाँ एक घटना हुई है, उस घटना के संबंध में जो हमारी पुलिस की कार्रवाई है वो चल रही है। जैसे ही घटना की सूचना लगी थी, मौके पे जितने उच्च अधिकारी हैं तुरंत मौके का मुआयना किया गया है। जो भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है वो भी करी गई है और अभी आगे की हमारी जो टीमें बन गई हैं और जो भी घटना के बारे में है वो जानकारी जुटाई जा रही है और कार्रवाई कर रही है। बदमाशों का अभी तक पता चला क्योंकि स्कूटी सवार दो बदमाश थे, अभी तक कुछ क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बट हम लोग काम कर रहे हैं अभी। प्रथम दृष्टिया क्या निकल कर सामने आया कि रंजिशन है या कुछ और? अभी इसके बारे में हम कोई जानकारी नहीं दे सकते। ये हमारे साथ बातचीत के लिए गाजियाबाद के एसपी सिटी अभिषेक वर्मा थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी प्रथम दृष्टिया किसी भी एंगल पर बात नहीं करेंगे। साथ ही जो स्कूटी सवार बदमाश हैं अभी तक उनका पता नहीं चल पाया, इसीलिए बड़ा सवाल एक बार फिर खड़ा होता है कि गाजियाबाद पुलिस अभी तक उन स्कूटी सवार बदमाशों को क्यों नहीं ढूंढ पाई है। हालांकि तमाम दावे जरूर किए जाते हैं कि जिस तरीके से हर रोज चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं, तमाम चालान काटे जाते हैं, पर स्कूटी सवार बदमाश दो बदमाश जो कि सुबह आसानी से हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, अभी तक गाजियाबाद पुलिस के हाथ खाली हैं। जिक्र किया कि एक जज का घर है, केसी त्यागी का घर है, वहां पर एक रसूखदार परिवार जो दो दशक से मुरादनगर गाजियाबाद की सियासत में सक्रिय है उसका घर है, और अगर उस इलाके के अंदर दो बदमाश आकर गोली मारकर जाते हैं तो आम सड़कों पर आम लोगों के ऊपर गोली चलाने में कौन गुरेज करेगा, किसको खौफ है खाकी का? देखिए, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वीआईपी इलाके में दिन दहाड़े वो हत्या कर बदमाश आसानी से फरार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स सांसद के साथ एक्स एमएलए खड़े होते हैं, एक्स जज का घर है, साथ ही एटीएस में डिप्टी एसपी के पद पर जो तैनात हैं उनका ही आवास है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा इसीलिए जो दावे हैं उस पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही। हालांकि अब तमाम पुलिस बल यहाँ तैनात कर दिया गया, पहले जो पिकेट वाहन थे जो कि लैपर्ड हैं जो कि पीसीआर हैं वो कहाँ थी? आसपास के लोगों का भी आरोप है यहाँ पर चैन स्नैचिंग जैसी वारदात आसानी से हो जाती हैं, कभी पुलिस की पीसीआर यहाँ पर नहीं वॉक करती या लैपर्ड जो है वो कभी रूम में नहीं होती। हालांकि तमाम दावे जरूर करे जा रहे थे, अगर वो नरेश त्यागी की लगातार रेकी कर रहे थे तो वो इस बात की भी जानकारी जुटा रहे थे कि पुलिस की पेट्रोलिंग की यहाँ पर क्या स्थिति है, जिस बात का जिक्र आपने किया कि वो लेपर्ड से लेकर पेट्रोलिंग व्हीकल कहाँ थे जब इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या वो दौरा नहीं करते? और अगर नहीं करते तो फिर खौफ तो किसी में होगा ही नहीं। बदमाश आज नरेश त्यागी को गोली मारकर गए, कल किसी और को मारकर जाएंगे और क्या कर लेगी गाजियाबाद की पुलिस? वो उनके दिमाग में तो सीधे ये बैठा हुआ है। देखिए, अगर सूत्रों की माने तो करीब एक हफ्ते से इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए रेखी की जा रही थी। स्कूटी सवार बदमाश हर दिन, क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक पर सुबह 5:45 करीब निकलते थे और उनकी रेखी करते थे, हालांकि 4 से 5 लोग उनके साथ रहते थे, पर आज वो सुबह अकेले घर से निकले थे, जिसके बाद करीब 6:10 पर उनकी हत्या कर दी गई। बड़ा सवाल इसीलिए खड़ा होता है कि जिस तरीके से बदमाशों ने रेखी कर वारदात को अंजाम दिया, गाजियाबाद पुलिस सवालों घेरे में इसीलिए आती है कि आखिर इतने वीआईपी इलाके में दिन दहाड़े एक वीआईपी की हत्या हो जाती है, आखिर पुलिस कहाँ थी? पुलिस के जितने भी दावे थे वो कहाँ थे? लगातार आम आदमी को सुरक्षित रहने का जरूर वादा करती है। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे, आप वहाँ मौजूद है जहाँ पर वारदात हुई है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे में पूरी जो वारदात हुई तो वो रिकॉर्ड भी हुई है, तो ये जाहिर सी बात है कि सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगे हुए हैं, तो हफ्ते भर से अगर कोई रेखी कर रहा है तो वहाँ सुरक्षात्मक दृष्टि से क्या कोई गार्ड की तैनाती नहीं है? वीआईपी ये इलाका कहा जा रहा है, तो किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, क्योंकि तमाम वीआईपी हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों चाहे वो पुलिस अधिकारियों से जुड़े हों, तमाम वीआईपी इस इलाके में रहते हैं, कहीं ना कहीं सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, पर ना तो इस कॉलोनी में कोई सिक्योरिटी गार्ड था और ना किसी भी तरीके की पुलिस पीसीआर वैन यहाँ पर टहलती थी, तो कहीं ना कहीं इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को बिल्कुल अगर सिक्योरिटी गार्ड होता तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। देखिए, क्योंकि सामने ही जज का घर था और केसी त्यागी जो कि पूर्व सांसद भी हैं, इसीलिए सवाल इसलिए खड़ा होता है कि आखिर इतने बड़े वीआईपी लोगों के घर के सामने ही बदमाश आसानी से एक भाजपा विधायक के सगे मामा की हत्या कर आसानी से फरार हो जाते हैं, आखिर पुलिस कहाँ थी? क्यों पेट्रोलिंग नहीं होती थी गाजियाबाद इलाकों में? अगर वीआईपी इलाकों में इस तरीके की पेट्रोलिंग नहीं होगी तो छोटे इलाकों में आम आदमी कैसे सुरक्षित हो पाएगा? तो कहीं ना कहीं अभी भी न्यूज़ वन इंडिया लगातार गाजियाबाद पुलिस से सवाल कर रहा है कि आखिर गाजियाबाद के इलाकों में पेट्रोलिंग क्यों नहीं की जाती? तमाम दावे जरूर किए जाते हैं
बदमाश यहाँ स्कूटी पर सवार होकर आते हैं, बड़े ही प्यार से फायरिंग करते हैं, और सीसीटीवी फुटेज में अगर देखें तो बिल्कुल जरा सी दूरी है यहाँ पर नरेश त्यागी के बीच में और उन बदमाशों के बीच में, जिसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही कि जरा सा भी खौफ, जरा सा भी डर बदमाशों के मन में होगा। तो ये वीआईपी तो सिर्फ नाम की कॉलोनी रह गई ना, वीआईपी किस तरीके से रह गई जब यहाँ कोई यहाँ पर सेफ ही नहीं है। देखिए क्योंकि जिस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, सीसीटीवी में साफ तौर से देखा जा रहा है कि स्कूटी सवार बदमाश नरेश त्यागी के आगे पीछे ही घूम रहे थे। वो उस मौका ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से उन्हें अकेला पाया जाए और उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी जाए। जैसे ही वो पार्क के करीब पहुँचे, क्योंकि सुबह का वक्त है, मॉर्निंग वॉक पर लोग भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं बदमाशों में इस चीज़ का भी डर होना चाहिए था कि आखिर उन्हें कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले। पर पुलिस नहीं थी, सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, तमाम जो पीसीआर के पेट्रोलिंग वाहन होते हैं वो नहीं थे, लैपर्ड नहीं थी। बदमाश आते हैं, रेकी करते हैं, पीछे पीछे आकर तुरंत जैसे अकेला पाते हैं पहले 5 गोलियां मारते हैं। इतना बड़ा बदमाशों में बेखौफ हैं कि वो दोबारा एक बार फिर पार्क का चक्कर लगाकर आते हैं और देखते हैं कि वो मरे नहीं है, सिर में फिर दोबारा 2 गोली मारते हैं। इसके बाद आनंद पानी में जो है शिवम बताता है कि वो अस्पताल में हर हाल में ये तय करना चाहते थे कि नरेश त्यागी जिंदा ना बचे, यही वजह है कि लौट कर आए और सर पर गोली मारी। तो ये रंजिशन मामला माना जा सकता है, और आने वाले समय में पुलिस की प्रोसीडिंग बताएगी कि किस तरीके का ये मामला था। लेकिन क्योंकि ये रसूखदार परिवार है और इससे पहले भी यहाँ पर कई रंजिशें होती रही हैं, कई इस तरीके की वारदातें होती रही हैं, तो क्या गाजियाबाद के अंदर आने वाले समय में बहुत जरूरी है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया जाए? SSP कलानिधि नैथानी जो राजधानी से सीधे गाजियाबाद आए, उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर गैंग वॉर की तरफ बढ़ गया गाजियाबाद तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। देखिए बीते कुछ दिनों से लगातार बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े वीआईपी इलाकों में डकैती और लूट जैसी घटनाओं को आसानी से अंजाम देकर बदमाश फरार हो रहे थे। पर आज जिस तरीके से सरेआम एक वीआईपी की हत्या कर दी जाती है, उससे गाजियाबाद पुलिस पर सवाल इसीलिए खड़े होते हैं क्योंकि अभी तक जो गाजियाबाद था वो लूट और डकैती घटनाओं से थर्रा रहा था, पर आज हत्या और वो भी वीआईपी आदमी की हत्या होती है तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस पर सवाल इसीलिए खड़ा होता है कि आखिर क्राइम कंट्रोल कैसे होगा गाजियाबाद में, क्योंकि अभी तक लूट और डकैती से गाजियाबाद जूझ रहा था और हत्या जैसी वारदात आसानी से बदमाश फरार हो जाते हैं और दिन दहाड़े एक वीआईपी की हत्या कर दी जाती है। तो गाजियाबाद पुलिस को बोर चौकन्ने रहने की सलाह हम देते हैं, और साथ ही पेट्रोलिंग वाहन बढ़ाने की भी दावे करती है शिवम कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार धरपकड़ की जा रही है, ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जब इस तरह की वारदातें सामने आती है तो ये समझ में आता है कि वो सिर्फ बातें हैं, असल में जमीनी हकीकत कुछ और है। देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का दौर जारी है। अगर बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर इलाके में भी लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, पर जिस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, वो दिन दहाड़े लूट और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। आज अल सुबह उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, एनकाउंटर से वो नहीं आएगा कि एनकाउंटर आप कर रहे हैं, क्योंकि एनकाउंटर अभी तक जो देखे गए हैं वो चैन स्नैचर्स के होते हैं, पॉकेट मार के स्नैचर उनके होते हैं एनकाउंटर्स। आखिर जो इतने बड़े अपराधी हैं, क्योंकि जिस तरीके से 7 गोलियां मारी जाती हैं दिन दहाड़े, बहुत बड़ी वारदात है वीआईपी इलाके में, क्योंकि उन्हें डर नहीं था कि कोई देख ना ले, कोई पुलिस उन्हें आके पकड़ ना ले। इतनी बड़ी वारदात, क्योंकि 5 गोली पहले मारी जाती है और फिर उसके बाद आकर 2 गोली मारी जाती है, कहीं ना कहीं बदमाशों का जो डर है अब गाजियाबाद पुलिस से उनका डर खत्म हो चुका है, और इस तरीके की हत्याएं और इस तरीके की लूट डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देकर वो आसानी से फरार हो जाते हैं। बिल्कुल शिवम, और गाजियाबाद पहले से ही सुर्खियों में रहा है, और अगर इस तरह की वारदात फिर से आई है, गैंग वॉर की स्थिति दोबारा से बनती है, तो एक बार फिर से दब्बा लग जाएगा यहाँ पर गाजियाबाद के ऊपर। जिस तरीके से देखा गया है कि आपराधिक मामलों में गाजियाबाद टॉप पर रहा है, और अगर दोबारा से ये सारी चीजें, ये सिलसिला दोबारा चलने लगा, प्रशासन ने कानून व्यवस्था मजबूत नहीं की, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सब कुछ। देखिए क्योंकि गाजियाबाद में लगातार, गाजियाबाद इसीलिए सुर्खियों में रहता है कि यहाँ पर दिन दहाड़े लूट टके हत्या जैसी वारदात आसानी से हो जाती हैं, गैंग वॉर भी काफ़ी रही हैं गाजियाबाद में, क्योंकि ये पारिवारिक रंजिश मानी जा रही है, गांव रंजिश मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर गैंग वॉर ना हो जाए उसी एंगल में पुलिस जाँच कर रही है। हालाँकि ये परिवार की सुरक्षा के लिए एक पुलिस की जो PCR है उनके घर के बाहर मौजूद कर दी गई है, और साथ ही परिवार वालों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। पर अगर पहले ये इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि पहले पुलिस कहाँ थी, क्यों पेट्रोलिंग नहीं हो पाई, बड़ी देर कर दी जनाब आते आते कि अगर पहले ये पेट्रोलिंग हुई होती तो शायद नरेश त्यागी की हत्या ना हुई होती और आज वो जिंदा होते और हम और आप उनकी हत्या कि किसने की और कैसे हुई इस पर चर्चा ना कर रहे होते, ये दुर्भाग्यपूर्ण। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।